Hi guys, welcome back to Manjari's Academy by Unacademy. So today I have come up with the second part of the previous lecture, that is defamation, in which today I will discuss about the exceptions of defamation under section 499 of IPC. ये हमारी लीगल नगेट्स की सीरीज चल रही है, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो. उसमें हम जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं रिगार्डिंग द अपकमिंग LLM एंट्रेंस एग्जाम उसको डिस्कस करते हैं. तो ये अगर आप कोई भी LLM एंट्रेंस एग्जाम फोकस कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखना. तो स्टार्टिंग विद द एक्सेप्शंस ऑफ डिफेमेशन, 10 एक्सेप्शंस है क्रिमिनल डिफेमेशन में. मैंने आपको कल भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि डिफेमेशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिविल और एक होता है क्रिमिनल. सिविल डिफेमेशन इज विच इज डिस्कस्ड इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स. जब किसी भी पर्सन को कंपेंसेशन चाहिए होता है फॉर द डिफेमेशन तो वो सिविल डिफेमेशन फाइल करता है, यानी कि सिविल सूट फाइल करता है. लेकिन जब किसी भी पर्सन को क्रिमिनल डिफेमेशन की बात आती है, यानी किसी को अगले पर्सन के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल सूट फाइल करना है, दैट इज वो चाहता है कि उसको उसके लिए सजा दी जाए, पनिशमेंट दी जाए, तो वो कहलाता है क्रिमिनल डिफेमेशन. और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्रिमिनल डिफेमेशन की, जो सेक्शन 499 IPC में दिया गया है. आज हम बात करेंगे 10 एक्सेप्शंस के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट एक्सेप्शन पे, विच टॉक्स अबाउट ट्रुथ फॉर द पब्लिक गुड. ठीक है, कहा जाता है कि सच्चाई सबसे बड़ा हथियार होता है. अगर आप सच हो, आप सच के साथ खड़े हो, तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता है, भले आपके लिए कोई कुछ भी क्यों ना कह रहा हो. डिफेमेशन की भी कुछ ऐसी ही बात होती है कि अगर उस बात में सच्चाई है, जिस पर्सन ने किसी दूसरे को डिफेम किया है और वहां पर अगर उसकी सच्चाई है उस चीज में, तो उस पर्सन को उसका डिफेंस मिलता है. यानी कि एक्सेप्शन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जहां पर डिफेंडेंट को डिफेंस मिलेगा इन सारे ग्राउंड्स पे. ये 10 एक्सेप्शन में से अगर कोई भी एक या दो या इससे ज्यादा एक्सेप्शंस जो ले सकता है डिफेंडेंट कि भाई मैंने तो इस वजह से कहा था, मेरा ये अर्थ था, तो इन दैट केस उस पर्सन को सजा नहीं मिलेगी या उसकी सजा कम कर दी जाती है. तो पहला एक्सेप्शन आता है कि अगर उसने जो कुछ भी कहा है वो सही है एंड उसने पब्लिक गुड में कहा है, लोक हित में. हम हमेशा जब भी कोई बात करते हैं तो वो सही मानी जाती है. लोक हित में कितना भी कड़वा आप क्यों ना बोल रहे हो, लेकिन क्योंकि वो लोगों की भलाई के लिए है तो उसको सही नजरिए से देखा जाता है. इन द सेम वे, अगर एक कोई भी इंफॉर्मेशन है जो सही है और जो लोगों के हित के लिए करी जा रही है, तो दैट इज नॉट कवर्ड अंडर द एक्ट ऑफ डिफेमेशन. उस समय पे अगर किसी पर्सन को कितनी भी वो तीखी क्यों ना लग रही हो, लेकिन अगर वो पब्लिक गुड के लिए है तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है, उस पर्सन को डिफेमेशन के लिए लायबल नहीं ठहराया जाएगा. आगे बढ़ते हैं सेकेंड एक्सेप्शन पे. सेकेंड एक्सेप्शन बात करता है जब हम पब्लिक सर्वेंट्स का फेयर क्रिटिसिज्म करते हैं. फेयर क्रिटिसिज्म का मतलब क्या है? क्रिटिसिज्म तो हम जानते हैं कि भाई तर्क करना, ठीक है, किसी के लिए कटाक्ष बोलना. बट फेयर क्या होता है? फेयर ये होता है जो हमारा गुड फेथ है, जो हम गलत इंटेंशन से नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो पर्सन वैसा दिखता है, वैसा है, उसकी एक्टिविटीज वैसी हैं, फॉर दैट सेक हमने ये कहा है. इसलिए सेकेंड एक्सेप्शन टॉक अबाउट फेयर क्रिटिसिज्म, कि अगर कोई भी एक्ट है जिसमें पब्लिक सर्वेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि उसने अपना पब्लिक फंक्शन कैसे डिस्चार्ज किया है, या फिर वो अपना कंडक्ट किस तरीके से करता है, एक्ट परफॉर्म करता है, अगर उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है एंड वो कैरेक्टर जो अपियर होता है वो गलत दिख रहा है, तो इन दैट केस वो एक्सेप्शन की कैटेगरी में आता है. इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो ये तो वही बात हो गई कि पब्लिक सर्वेंट अगर कोई भी चीज एक्सरसाइज कर रहा है, अपना कोई भी एक्ट कर रहा है, पब्लिक फंक्शन, ये नहीं है कि पर्सनल लेवल पर वो कैसे एक्सरसाइज कर रहा है. इट इज अबाउट जब वो पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जब लोगों के लिए काम कर रहा है. कोई भी पुलिस ऑफिसर है, जब वो ड्यूटी पर है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है. कोई भी पर्सन है, पब्लिक सर्वेंट है, वो ड्यूटी पे कैसा परफॉर्म कर रहा है उस वक्त, अगर उसके एटीट्यूड को लेके कोई फेयर क्रिटिसिज्म किया जाता है तो वो एक्सेप्शन की कैटेगरी में नहीं आता है. फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है किसी पब्लिक सर्वेंट के लिए कह दे कि ये तो मुझे बड़ा खड़ूस दिखता है, ये तो बड़ा रूड है. हो सकता है वो रूड ना हो, वो अंदर से बहुत ठीक ठाक हो, लेकिन उसके काम में दिखाई देता है कि वो हर किसी को झाड़ रहा है, उसको हर किसी पे चिल्ला रहा है, तो ये एक ओपिनियन आ गया. यहाँ पर हमने किसी के लिए कोई डिफेमेशन जैसी चीज नहीं करी. थर्ड एक्सेप्शन बात आता है जब फेयर कमेंट किया जाता है पब्लिक कंडक्ट पर ऑफ द पब्लिक मैन अदर देन द पब्लिक सर्वेंट. पब्लिक सर्वेंट कौन हो गया? जिसको अपॉइंट किया गया. पब्लिक सर्वेंट जनरली अपॉइंट होता है जो कि पब्लिक के लिए काम करता है, देयरफॉर उसको हम पब्लिक सर्वेंट कहते हैं. जैसे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, सरकारी विभाग वाले जो लोग होते हैं, ये सब पब्लिक सर्वेंट होते हैं, ठीक है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट दैट द पब्लिक कंडक्ट ऑफ द पब्लिक मैन, तो हम लोगों का कोई आदमी, हम लोगों के बीच का कोई आदमी,
जो समाज को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो पब्लिक कंडक्ट कैसा करता है, वो उस समाज में कैसा कंडक्ट करता है, अगर उस पर कोई फेयर कमेंट किया जाता है तो वो एक्सेप्शन की तरह काम करेगा। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल इज नेता। नेता हमारे बीच का आदमी होता है और हमारी तरफ से वो क्या करता है, जनता का सेवक वो खुद को बताता है। तो जनता का सेवक है, अगर वो जनता को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो कंडक्ट जो ऐसा भी कर रहा है, अगर उस पर कोई फेयर कमेंट किया जाता है तो इन दैट केस उसको डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। अगर कोई भी पर्सन अपना कोई भी व्यूज एक्सप्रेस करता है या ओपिनियन एक्सप्रेस करता है किसी भी पर्सन के कंडक्ट को लेके, वो जैसा व्यवहार कर रहा है एंड वो डिस्चार्जेस एनी काइंड ऑफ पब्लिक फंक्शन, वो पब्लिक फंक्शन ही कर रहा है बेसिकली। नेता निकले रैली पर वो काम कर रहे हैं, ठीक, या मान लीजिए वो आपकी लोकैलिटी में आए हैं कुछ काम करवाने, ठीक, कोई टीकाकरण करवा रहे हैं या फिर वो बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलवाने के लिए कैंपेन चला रखा है या फिर अलग तरीके का मेडिकल कह लीजिए कि फ्री चेकअप चला रखा है। तो ये पब्लिक फंक्शन जो भी वो डिस्चार्ज कर रहे हैं, अगर उस वक्त उनके कंडक्ट पर कोई ओपिनियन करा जाता है तो दैट पर्सन विल नॉट बी लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ डिफेमेशन। शर्त क्या है? शर्त ये है कि वो व्यू और ओपिनियन जो है वो गुड फेथ में और ऑनेस्टी के साथ होना चाहिए। गुड फेथ में हो, बैड फेथ में बिल्कुल भी ना हो, उसका इंटेंशन ये नहीं है कि मैं पब्लिकली, वो पर्सन जो बोल रहा है वो गुड फेथ में कह रहा है, उसको जेन्युइनली लग रहा है कि भाई ये ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इनको ना पब्लिक सपोर्ट चाहिए, इनको ना वोट चाहिए। अगर वो गुड फेथ में ये सब बातें कह रहा है तो यहाँ पर डिफेमेशन नहीं माना जाएगा, वो एक फेयर कमेंट है। जब आप एक पब्लिक फिगर होते हो, जब लोगों के बीच में आते हो, तो आपके ऊपर कुछ भी कमेंट किया जा रहा है आपको उसको वेलकम करना पड़ेगा, ठीक है, आपको जवाब देना आप दीजिए, लेकिन आप हर एक स्टेटमेंट को डिफेमेशन नहीं कह सकते क्योंकि आपने खुद पे अलाउ किया है लोगों को कि आओ हम पर कमेंट करो, आप पब्लिक फिगर बन गए हो। फोर्थ एक्सेप्शन ये है कि रिपोर्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट ऑफ द जस्टिस। अगर कोई भी प्रोसीडिंग जो कोर्ट की है या फिर कोई भी केस का जो रिजल्ट आता है, ठीक है, अगर वो पब्लिश कर दिया गया है तो उसको डिफेमेशन नहीं माना जाता है। द कंडीशंस क्या है कि पब्लिकेशन ट्रू होना चाहिए, एप्ट होना चाहिए। आपको मालूम है बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अगर आप LLM के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको मालूम है कि क्लैट पीजी के लिए हमारे लिए केस लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप जनरली लाइव लॉ जरूर विजिट करते होंगे, आप बार एंड बेंच जरूर विजिट करते होंगे। जब भी आप इन पे कोई न्यूज पढ़ते होंगे कि केस लॉ पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे नीचे जाके एंड में PDF लिखी रहती है, PDF रहती है, उस PDF को हम डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली वो क्या है, बेसिकली वो जजमेंट ही तो है ना, वो केस का रिजल्ट ही तो है जो जज पब्लिश कर दिया है उन्होंने अपनी वेबसाइट पे, ठीक। तो इसी तरीके से कहा जाता है कि अगर किसी भी प्रोसीडिंग, कोर्ट की प्रोसीडिंग को पब्लिश कर दिया गया या किसी केस के रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया, वो डिफेमेशन नहीं होता है। डिफेमेशन आपको अगर हम यहाँ डिफेमेशन की बात कैसे आ गई, डिफेमेशन की बात ऐसे आती है कि मान लीजिए कोई केस है, बहुत सेंसिटिव केस है, रेप का केस हो सकता है, एसिड अटैक का केस हो सकता है, मैट्रिमोनियल केसेस हो सकते हैं। अब आपको मालूम है कि मैट्रिमोनियल केसेस वगैरह में, इन सेंसिटिव केसेस में जो रेप वगैरह के भी हैं, उन सब में नाम नहीं लिखा जाता है विक्टिम का, ठीक है। मैट्रिमोनियल में दोनों पार्टीज का नाम अक्सर नहीं होता, अगर पार्टीज नहीं चाहती हैं डिस्क्लोज हो तो फिर नहीं होता, XY करके होता है। इसी तरीके से प्राइवेसी से रिलेटेड कोई केस लॉज है, वहां पर XY यूज होता है। तो इन सब केसेस को अगर पब्लिश किया जा रहा है तो वो पर्सन ये नहीं कह सकता कि अरे इन्होंने तो क्या कर दिया, हमारे फैक्ट्स को पब्लिक स्पेस में डाल दिया, इन्होंने तो हमारी निजी जिंदगी को पब्लिक प्लेस में, पब्लिक डोमेन में डाल दिया। देखिए, आप एक बार घर से बाहर निकलकर कोर्ट में आ गए तो ऑलरेडी वो पब्लिक डोमेन में आ चुका है। अब वो फैक्ट क्योंकि किसी और के लिए भी यूजफुल हो सकता है, आने वाले केसेस में वो कोर्ट्स के लिए यूजफुल होगा, आने वाले समय में वो स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, टीचर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पब्लिक डोमेन में तो लाना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं, आपकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये होता है बचाना। तो अगर इन सबको ध्यान में रखते हुए गुड फेथ में अगर सही रिपोर्ट पब्लिश करी जा रही है तो वो एक्सेप्शन है, यहाँ पर किसी को भी हम लाइबल नहीं ठहरा सकते कि उन्होंने डिफेमेशन हमारा किया है। फिफ्थ एक्सेप्शन आता है केसेस पर कमेंट करना। अगर कोई भी पर्सन मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिश करता है रिगार्डिंग द मेरिट्स ऑफ द केस या फिर कंडक्ट ऑफ द पर्सन को लेके जो विटनेस था, ठीक है, ये बहुत अक्सर होता है, जो विटनेसेस आते हैं तो यहाँ पर उनपे बहुत उनके कंडक्ट पर कमेंट होता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर होता है कि इनको तो सिखा पढ़ा के लाए हैं, इनको तो झूठ बोलने को ही कहा गया, ये ऐसा कर रहे हैं, बहुत ओवर रिएक्ट लोग करते हैं। तो इन दैट केस ये डिफेमेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगेन वो आया है कुछ भी बोल रहा है, अगर हर आदमी सही बोलेगा तब तो कोई भी कभी भी पार्टी में जीत ही नहीं पाएगा। दोनों पार्टी जीत रही है, दोनों पार्टी हार रही है, तो समवेयर कोई ना कोई विटनेस तो झूठ बोल ही रहा है ना। अब यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट क्या है कि गुड फेथ में कहा हो। एक तरीका होता है, मान लीजिए एक पर्सन है, वो विटनेस स्टैंड पे आके खड़ा हुआ और उसने जिस तरीके से बोला उस पर वो ऑडियंस में बैठा हुआ कोई पर्सन कहता है मुझे नहीं लगता ये सही बोल रहा है,
ये डिफेमेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर उसने जो कंडक्ट फेस किया उसको उससे लगा कि वो पर्सन सही नहीं बोल रहा है, तो ये डिफेमेशन में नहीं आएगा। वहीं पर अगर वो ए जो है बैठा हुआ है, ठीक है, और बी से कहता है बगल में, सी इज द विटनेस, ठीक है, उस विटनेस को देखते हुए कहता है, अरे यार मैं इसके बारे में ना बहुत अच्छे से जानता हूँ, मुझे पता है कितना सच बोल रहा होगा, बड़ा सत्यवादी हरिश्चंद्र बनता है ना, ये बिल्कुल नहीं सही बोल रहा है, ये एकदम झूठ बोल रहा है। अब ये क्या हुआ, ए ने पहले से प्री कंसीव्ड नोशन यहाँ पर क्रिएट कर रखा था सी के लिए। यहाँ पर क्या हुआ, पहले से ही उसने सोच रखा था कि सी ऐसा है तो ये तो कभी सही बोल ही नहीं सकता, तो ये डिफेमेशन डेफिनेटली होगा, ये एक्सेप्शन यहाँ पर नहीं आएगा। सिक्स्थ एक्सेप्शन आता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। जब भी आप कोई बुक पब्लिश करते हैं, जब भी आप कोई आर्टिकल पब्लिश करते हैं, जब भी आप कोई मूवी निकालते हैं, यानी कि आप बेसिकली आप कोई लिटरेचर, आप कोई आर्ट पब्लिक डोमेन में पब्लिश कर रहे हो, तो यू शुड वेलकम दैट क्रिटिसिज्म। वो क्रिटिसिज्म अगर हो रहा है तो उसको आपको पॉजिटिव वे में लेना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते डिफेमेशन हो रहा है, क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई बुक निकालोगे तो कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा। जब भी मूवी आती है कुछ लोग अच्छा कहते हैं, कुछ लोग बुरा कहते हैं, तो जो बुरा कह रहे हैं आप, वो डिफेमेशन नहीं है, ये उनका ओपिनियन है। आपने एक आर्ट पब्लिश करी है, जरूरी नहीं है आपकी आर्ट सबको पसंद आए या सबको नहीं आए। तो अगर कोई भी पर्सन गुड फेथ में अपना एक्सप्रेस कर रहा है ओपिनियन, अगेन गुड फेथ की बात आती है, क्योंकि एक होता है ग्रजेस निकाल के, कोई किसी का दुश्मन है, उसने देखा कि उसने बुक निकाली है, हाँ मुझे पढ़नी नहीं है ये बुक, मुझे पता है इन्होंने बड़ा अच्छा लिखा होगा ना बुक में, ये होता है ग्रजेस निकालना, ठीक, कि हम चाहते ही नहीं है उस बंदे की तारीफ करना चार लोगों के सामने, क्यों? क्योंकि हमें उससे पहले से ही नफरत है, तो ये हो गया डिफेमेशन। हाँ, पता है कितनी अच्छी बुक लिखी होगी, बहुत काबिल है ना, ये है डिफेमेशन। लेकिन जब आपने बुक पढ़ी तो आपने कहा, यार पढ़ा तो मैंने बुक, लेकिन आज सच में मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी, ठीक ठाक, ओके ओके थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनका ओपिनियन जो निकल के आया थोड़ा सा गलत है, ये क्या हुआ, आपने पढ़ने के बाद फीडबैक दिया, तो समवेयर जो उसने पर्सन ने लिखा था आपने उसको पढ़ के समझा, फिर आपने ये ओपिनियन अपना दिया है। लेकिन ना पढ़ के पहले से ओपिनियन दे देना तो ये क्या है, ये गुड फेथ नहीं होता है। तो अगर गुड फेथ में कोई पर्सन अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करता है रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस और द कैरेक्टर ऑफ द ऑथर जो ऑथर ने सबमिट किया है टू द जजमेंट ऑफ द पब्लिक और द व्यूअर्स, तो वो डिफेमेशन में नहीं आता है। जैसे ऑथर हो गया बुक का, जो पब्लिश कर रहा है वो जजमेंट ऑफ द पब्लिक के लिए ही पब्लिश कर रहा है। इन द सेम वे एक्टर जो फिल्म कर रहा है वो पब्लिक को सबमिट कर रहा है जजमेंट के लिए। अगर सारी फिल्में अच्छी होने लग जाती तो फ्लॉप मूवीज कहाँ से आती, ठीक। सेवेंथ एक्सेप्शन आता है सेंसर बाय वन इन अथॉरिटी। अगर मान लीजिए एक पर्सन है जो अथॉरिटी में है, उसके डोमिनेंस में कुछ लोग होंगे, अगर वो उस पर्सन की गारंटी लेता है, वो कहता है कि ये पर्सन सेंसर है, कुछ भी कर सकता है, तो ये एक्सेप्शन में आ जाता है। एक कोई पर्सन है जिसने सेंसर पास कर दिया किसी अदर पर्सन के कंडक्ट को लेके, अब वो डिफेमेशन नहीं हो सकता, प्रोवाइडेड वो जो पर्सन सेंसर अप्लाई कर रहा है लॉफुल अथॉरिटी होना चाहिए, या फिर कोई अथॉरिटी जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हो रहा हो ओवर द पर्सन जिसके मैटर को पर सेंसर अप्लाई किया गया है। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है जिसको एम्प्लॉयर ने सेंसर कर दिया है गुड फेथ में, एम्प्लॉयर चाहता है, अच्छे से बोल रहा है, उसका कुछ काम एम्प्लॉय का ऐसा है जिसके चलते हो सकता है उसको कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे पास करने पड़ते हो कि अगले को दिक्कत हो, अगले को डिफेमेशन लगे, ठीक है। मान लीजिए कहा गया कि तुम आके अपने ओपिनियन के बारे में बोलो, तुम सब कुछ बोलो, ठीक है, तुम हर एक मेंबर के बारे में बोलो, तुम एम्प्लॉयज के बारे में बोलो, तुम उनको नोटिस करते हो, अब अगर उसमें वो कुछ बुरा भी बोल रहा है तो क्योंकि एम्प्लॉयर ने उसको सेंसर किया है तो वो डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी स्टेटमेंट एक ऐसा पर्सन दे रहा है जिसको उसके ऊपर की अथॉरिटी ने सेंसर कर रखा है वो कहने सुनने के लिए करने के लिए, तो इन दैट केस वो कुछ भी करेगा वो डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आता है। कुछ ऐसा ही मिलता जुलता अगला है कंप्लेंट टू अथॉरिटी, कि अगर कोई भी पर्सन है जिसके पास लॉफुल अथॉरिटी होती है ओवर द अदर पर्सन, अगर वो उसको एक्यूज करता है तो वो डिफेमेशन में नहीं आता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अगर कोई हॉस्टल की वार्डन है वो गुड फेथ में किसी हॉस्टलर पर एक्यूजेशन चार्जेस लगा रही है, ठीक है, टू द डीन ऑफ द कॉलेज, वो कह रही है नहीं नहीं मुझे मालूम है ये शैतानी करता है, इसी लड़के ने ये काम किया होगा, इसी लड़के ने जो है उसको मारा होगा, ये आए दिन लड़ाई झगड़े में पड़ा रहता है, ये गुड फेथ में अगर वार्डन कर रही है क्योंकि उसको लगता है उसने पीछे से उसके एक्टिविटीज देख रखी है, उसके चलते अगर वो कह रही है तो ठीक है, बट अगर जस्ट बिकॉज कोई ग्रजेस निकालने के लिए कर रहा है तो अगेन वो डिफेमेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे वार्डन हॉस्टल का ये कहता है कि हाँ मुझे मालूम है ये आए दिन लड़ाई झगड़ा करता रहता है तो मुझे लग रहा है इसने इसको पीटा होगा, तो ये कोई इल्जाम नहीं लगा रहा है कि इसने पीटा होगा, वो क्या कह रहा है, वो गुड फेथ में ही बोल रहा है, बस वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हेल्प कर रहा है।
नाइन्थ एक्सेप्शन आता है कि जब इम्प्यूटेशन होता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, किसी के इंटरेस्ट में जब कुछ हम बोलते हैं, गुड फेथ में कहते हैं, तो वो भी एक्सेप्शन में आता है. कोई भी अगर एक्यूजेशन या इम्प्यूटेशन दूसरे पर्सन पे दिए जा रहे हैं खुद के इंटरेस्ट को बचाने के लिए, तो डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आता. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज एन एम्प्लॉय डी जिसको कहा गया है कि आपको एक मंथली रिपोर्ट बनानी है उस सेक्टर के एम्प्लॉयज के कंडक्ट के ऊपर. अब वो बैड कंडक्ट के बारे में एक एम्प्लॉय के लिखता है तो ये एक्सेप्शन में फॉल करेगा. क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर ने कहा है कि हम चाहते हैं कि तुम एक रिपोर्ट तैयार करो इस सेक्टर के एम्प्लॉयज के ऊपर. वो जानना चाहता है कि उनका कंडक्ट कैसा है, जब उसने अपॉइंट किया था तब वो लोग कैसे थे, अब उनका पूरा का पूरा जो काम का क्राइटेरिया है उसके साथ साथ उनका कंडक्ट कैसे रहता है वो उसको समझना चाहता है. तो उसने एक एम्प्लॉय को दे दिया. ये समवॉट सेंसर वाले की तरह है कि एक तरफ उससे कहा गया, एक से कहा गया कि तुम बोलो तुम्हें जो बोलना है, और एक तरफ उसको एक टास्क दे दिया गया है कि मंथली रिपोर्ट टाइप का. ठीक है, तो यहाँ पर अगर वो किसी की बुराई लिखता है, यहाँ पर कुछ बैड कंडक्ट बताता है, तो वो उसका डिफेमेशन नहीं कर रहा है. जो उसने नोटिस किया है, जो उसको काम दिया गया उसके चलते वो कंडक्ट कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई उसको डिफेमेशन का एक्सेप्शन मिलेगा. लास्ट है, टेंथ एक्सेप्शन आता है कॉशन इन गुड फेथ. अगर गुड फेथ में कोई आपको कुछ कॉशन दे रहा है, अगर आपको कोई कोई कॉशन दिया जाता है गुड ऑफ दैट पर्सन या पब्लिक के गुड के लिए, तो वो डिफेमेशन में नहीं आता है. अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्सन है, ठीक है, कॉलेज में है, एंड उसकी कोई वो अपनी किसी फ्रेंड को बोलती है, वो नई नई एडमिशन में आती है लड़की, और उसको कहा जाता है एक ग्रुप है जो बड़ा गुंडा मवाली वाला ग्रुप है, तो वो अपनी फ्रेंड को कहती है यार तुम ना इस ग्रुप से संभल के रहना, ये लोग बड़े खतरनाक है, ये कुछ भी कर सकते हैं. अब ये जो कुछ भी कर सकते का स्टेटमेंट है ये वायरल हो जाता है कॉलेज में, लोग बड़े डिफेंसिव हो जाते हैं, लोग कहते हैं ये क्या है, ऑफेंड हो रहे हैं, सॉरी, ठीक है, ये ऑफेंड हो रहे हैं, ये कह रहे हैं ये क्या बोल दिया, ऐसे क्या बोल दिया, हम कुछ भी कर सकते का क्या मतलब होता है. तो यहाँ पर क्या था, उसने अपनी फ्रेंड को गुड फेथ में बचाने के लिए कहा, क्योंकि वो लोग छेड़खानी करते रहते हैं या वो लोग शैतानी करते रहते हैं, कुछ भी साथ में, मतलब रैगिंग वगैरह वाले इश्यूज हो सकते हैं. इन सब के चलते उसने अपनी फ्रेंड को कॉशियस किया, ठीक है, गुड फेथ में उसने बोला. अब यहाँ पर ये नहीं कहा जाएगा कि उसने उनको डिफेम किया है, क्योंकि उसका इंटेंशन क्या था, फ्रेंड को बचाना, ना कि उन लोगों के अगेंस्ट बोलना. तो ये थे 10 एक्सेप्शंस डिफेमेशन के लिए. ये आपके लिए जानने बहुत जरूरी है. मैंने पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में कि इस टाइम राहुल गांधी का डिफेमेशन केस इज इन हाईलाइट्स, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला टॉपिक. आपको इस टॉपिक के बारे में पूरा पता होना चाहिए. अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो फटाफट से जाके वो वाला लेक्चर पहले देख लेना, और ये वाला जरूर देखो. एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार होता है कि हम मिसअंडरस्टूड कर देते हैं डिफेमेशन को ट्रुथ के साथ. ट्रुथ इज द डिफेंस कहा जाता है, बट हमें समझ में नहीं आता कि यहाँ डिफेमेशन था या कोई सार्कास्टिक कमेंट था या फेयर कमेंट था. तो इन सब के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट पीजी एंड एलेट पीजी एंड अदर एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम्स, तो आपके लिए अनअकैडमी अचीवर्स बैच लेके आया है जिसमें आप एनरोल कर सकते हो. आपने अगर इस बैच में एनरोल किया तो आपके जितने भी अपकमिंग एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम है वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि हम पूरा का पूरा सिलेबस सारे एग्जाम्स को देखते हुए कवर करते हैं. यू कैन ऑल्सो यूज माई रेफरल कोड MSingh10 टू अवेल द डिस्काउंट. 12th of August तक चल रहा है फ्रीडम फेस्टिवल, जिसमें अन अकेडमी आपको 20% ऑफ दे रहा है अन क्लैट पीजी के सारे सब्सक्रिप्शन पर, चाहे आप 4 महीने का लो, 6 महीने का लो, 12 महीने का लो, 18 महीने का लो. अच्छी बात एक और है कि 1 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी यहाँ पर मिल रहा है. तो अगर आप वैसे बाद में परचेज करते हो तो आपको सिर्फ इतने ही महीने का मिलेगा, लेकिन अगर आपने 12 अगस्त से पहले ले लिया तो आपको 1 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा. बहुत अच्छा ऑफर है. सिर्फ आपको क्या करना है, MSingh10 ये कोड यूज करना है एंड यू विल गेट अ डिस्काउंट. क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम की खासियत ये है कि यहाँ पे हम डेली लाइव क्लासेस करवाते हैं. जो भी एजुकेटर्स PDF यूज करते हैं पढ़ाने के लिए, वो आप बाद में क्लास के डाउनलोड कर सकते हो. केस लॉज एनालिसिस बहुत प्रॉपरली कराया जाता है. मॉक टेस्ट के साथ साथ लाइव टेस्ट और क्विजेस भी करवाए जाते हैं. Then here comes the course on the constitutional law for the CLAT PG by Manjari Singh, that is by me. मैं यहाँ पर LLM entrance exam से related एक comprehensive course constitutional law का cover करती हूँ. ये आपके लिए बहुत beneficial होगा अगर आप आगे चल के paper देने वाले हो. यहाँ पर एक in-class doubt solving session भी होता है. Then and there आपके सारे doubt solve हो जाएंगे. You just have to scan this QR code और exclusively an academy stores पर ये available है for 15999. अगर ये code use कर लिया MSingh10 तो extra discount आपको मिलेगा. साथ ही अनअकैडमी क्लैट पीजी 2024 के लिए 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज लेके आया है. जो इसकी खासियत यह है कि ये लाइव मॉक्स होते हैं, हर वीकेंड करवाए जाते हैं दोपहर को 2 बजे से 4 बजे तक. आपको रियल फील देने के लिए क्लैट एग्जाम की 1600 रुपए में बहुत रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल है ये 20 मॉक्स. आप MSingh10 ये कोड यूज करके डिस्काउंट एक्स्ट्रा अवेल कर सकते हैं. अनअकैडमी पर मैं हर ट्यूजडे और थर्सडे को 6:30 बजे
फ्री लाइव क्लास भी लेती हूँ, यहाँ पर भी मैं कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करती हूँ जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ आपको YT पे मिल जाएंगे, कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो फटाफट से इसको स्कैन करो और जाके वहाँ पे चेक कर लो, पिछले लेक्चर्स पढ़े मिल जाएंगे। आगे के क्लासेस में मुझे ज्वाइन भी कर सकते हो, मेरी प्रोफाइल पे जाके मुझे फॉलो कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक ये रहा, QR कोड, इसको स्कैन करोगे तो फटाफट से चैनल ज्वाइन कर लेंगे और आपको सारी अपकमिंग लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी रिगार्डिंग LLM एग्जाम्स, रिगार्डिंग योर कोर्सेज, रिगार्डिंग मॉक टेस्ट। सो दिस वाज इट गाइस फ्रॉम माय साइड टुडे। डिफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। दोनों वीडियो जरूर देखना, फ्रेंड्स के साथ दोनों वीडियो शेयर करिएगा। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि ऐसे और नॉलेज वाली वीडियोज, नॉलेज वाले नगेट्स मैं आपको डिलीवर करती रहूं। Thank you so much guys. See you in the next video.